सो हेलो एंड वेलकम बैक। आई एम डॉक्टर राहिल चौधरी, आई डॉक्टर, कैटरेक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन। आज के वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही स्पेशल तरीके का मोतियाबिंद या कैटरेक्ट का आंखों का ऑपरेशन दिखाने वाला हूँ, जिसमें हम पेशेंट की आंख में एक बहुत ही स्पेशल लेंस डाल रहे हैं जिसका नाम है सिनर्जी लेंस। अब सिनर्जी लेंस जो है एक ट्राईफोकल कैटेगरी का लेंस है, मतलब जब ये लेंस हम पेशेंट की आंख में डालेंगे तो पेशेंट को चश्मे की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। पेशेंट की दूर की नज़र, बीच की नज़र और पास की नज़र, सारे डिस्टेंसेस की नज़र बिना चश्मे के क्लियर रहेगी और पेशेंट एक 18 साल के इंसान की तरह दोबारा देख सकता है। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है वीडियोज़ में कि ट्राईफोकल लेंसेज में एक साइड इफेक्ट होता है, रात के टाइम जब आप ड्राइव करते हैं और सामने ब्राइट लाइट्स को देखते हैं तो लाइट के अराउंड एक हल्का सा छल्ला सा दिखता है या कभी कभी लाइट थोड़ा सा फैला हुआ दिखता है, तो इसको हम लोग कहते हैं हेलोज एंड ग्लेयर्स। तो ये एक छोटा सा साइड इफेक्ट है जो ट्राईफोकल लेंसेज में रहता है। बट फॉर्चुनेटली हमारी जो पेशेंट है वो हाउस वाइफ है, उनका रात का ड्राइविंग का नहीं रहता, तो सारा उनका लाइफस्टाइल समझते हुए हमने उनको ये वाला लेंस रिकमेंड करा है, जिससे ऑपरेशन के बाद उनको चश्मे की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और जैसे एक 18 साल का इंसान सारा कुछ बिना चश्मे के, सारे डिस्टेंसेस बिना चश्मे के देख सकता है, वैसे ही ये पेशेंट सारे डिस्टेंसेस बिना चश्मे के, बिना किसी तकलीफ के दोबारा देख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, दिखाता हूँ ऑपरेशन कैसे होता है। तो ये जो मशीन है इसको हम आंख के ऊपर डॉक करते हैं और मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से हम लोग सारा प्लानिंग इसमें एग्जीक्यूट करेंगे। तो अब आप ये देख रहे हैं कि पेशेंट की आंख में मशीन डॉक हो चुकी है और अब हम सारा प्लानिंग मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा। अब मैंने बस एक बटन दबाया और मशीन ने सारा कुछ अपने आप ही सेट कर दिया। तो अब आप देख रहे हैं मशीन हमें बता रही है कि कहाँ पे किस तरह से कटिंग करी जाएगी और मैं इसको एक्सेप्ट करते जा रहा हूँ। एंड अगेन देखिए मशीन हमें बता रही है कि लेंस को कहाँ पे काटा जाएगा और मैं इसको एक्सेप्ट करते जा रहा हूँ। और बस अब हम रेडी हैं, अब हम लेज़र को फायर करेंगे और मोतियाबिंद को घोल देंगे। तो ये आप देख रहे हैं लेज़र चल रहा है और मोतियाबिंद को ये काट रहा है और घोले जा रहा है। तो अभी सबसे पहले लेज़र ने आँख में एक ओपनिंग बनाई है जहाँ से मोतियाबिंद को निकाला जाएगा और अब मैं आपको दिखाऊंगा लेज़र इसको कैसे काटे जा रहा है। तो ये आप देख रहे हैं ये लेज़र मोतियाबिंद को काट रहा है, घोल रहा है, सॉफ्ट कर रहा है और पूरा ये मैश कर देगा मोतियाबिंद को और बस हम सक्शन से अब इसको बाहर निकाल लेंगे और इसकी जगह पर एक नया लेंस डाल देंगे। तो पहला स्टेप हमारा बहुत बढ़िया हो गया है, पेशेंट ने बहुत कोऑपरेट भी करा एंड अब हम बस दूसरी ओटी में जाके आँख में लेंस डालेंगे।